स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ ब्रिंजल मसाला। आइए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए एक मिक्सर जार में हम भुने हुए सेंग लेंगे 100 ग्राम, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच, धनिया पाउडर 1 और आधा छोटा चम्मच, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1/4 छोटा चम्मच और थोड़ा हरा धनिया इसमें ऐड करके हम इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाते वक्त शायद आपको 2 से 3 छोटे चम्मच पानी की जरूरत पड़ सकती है। अब हम किसी भी एक बर्तन में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा नमक घोल लेंगे और उसमें इस तरीके से बैगन को कट करके डुबोते जाएंगे। इससे हमारे बैगन काले नहीं होंगे। अब हम इन कटे हुए बैगनों में अच्छी तरह से मसाले को स्टफ कर लेंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। एक बर्तन में मीडियम फ्लेम पर 4 चम्मच खाने का तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने पर इसमें आधा छोटा चम्मच राई ऐड करेंगे, 4 से 5 करी पत्ते और एक छोटे साइज की प्याज बारीक कटी हुई इसमें ऐड करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए प्याज का कलर चेंज होने तक पका लेंगे। अब हम इसमें हमारा स्टफिंग का बचा हुआ मसाला ऐड करके मिक्स कर देंगे। और ये आधी कटोरी पानी हमने उसी मिक्सर जार को धो करके ले लिया है, जिससे कि हमारे मसाले की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी। मसाले में थोड़ा सा उबाल आ जाने पर हम इसमें हमारे स्टफ किए हुए बैगन रख देंगे और इसे ढक्कन ढककर 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे, हमें यहाँ बैगन को हाफ कुक करना है। ढक्कन हटाने के बाद इसमें 4 से 5 छोटे चम्मच पानी ऐड करेंगे और 4 से 5 छोटे चम्मच इमली का पानी इसमें ऐड करके इसे मिक्स करके ढक्कन ढककर 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लेंगे या बैगन के पूरे पक जाने तक। अब हमारे बैगन बिल्कुल पूरी तरह से पक चुके हैं। हम इसे हरे धनिए से गार्निश करके बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये डिश बहुत ही आसानी से और बहुत ही मजेदार बनती है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज की अपडेट मिलती रहे।